तुम? मैं सुल्तान हूँ और सुल्तान को जो चीज पसंद आती है वो उसे हासिल कर लेता है। शहर की लड़की मिले। इसे जश्न के लिए तैयार करो। बाबा सुल्तान, मेरे लखते जिगर, मेरे शेर, खुश आमदीद। बोलो बेटे, बंदूकें ले आए? जी वो बात ये होगी कि मैं बंदूकें लाएगा? ये तो शहर से एक औरत उठाकर लाया है। आखिर बेटा किसका है? अजीब किस्म के वालिद है जी आप। मैं कह रही हूँ ये शहर से औरत उठाकर लाया है और आप इसकी तारीफ किए जा रहे हैं। वल्ला मर्द का बच्चा है। मर्द के हाथ में या तो तलवार होती है और या फिर औरत। वाह वाह वाह, क्या फलसफा है और बढ़ाओ हिम्मत। पूरे हफ्ते में ना सारे शहर की औरतें उठाकर लाएगा। बेटा ये जख्म कैसे लग गया? जख्म कैसे लगा? जख्म मुझे दिखाओ। या अल्लाह, तुझे इतना जख्म लग गया, मुझे बताया तक नहीं। माँ से छिपाता है, खुला जख्म लिए घूम रहा है, दवाई तक नहीं लगाई। ओफो माँ, मामूली सी खराश है, तुम तो कतरे का समंदर बना देती हो। खामोश, कैसे कुछ नहीं है। सुल्तान, बोल वो लड़की कौन है? उसके चेहरे पर कितना रंग पुता हुआ है, कहीं किसी कहवा खाने में से नाचने वाली को तो नहीं उठा कर लाया? तौबा है माँ, तुम्हारा बेटा क्या किसी कहवा खाने में नाचते नहीं जाएगा? तो फिर वो लड़की कौन है? लड़की है और कौन है? किसकी लड़की है? उसका जो बाप है ना, उसकी लड़की है। लेकिन उसका बाप कौन है? जिसकी वो बेटी है। लेकिन वो है किसकी बेटी? ओफो बा, जिस बाप का जिक्र किया ना, उसकी बेटी है। लाहौर विलाकुवत, ये लड़का तो मुझे पागल बना देगा। ये फल रगड़ लीजिए। रगड़ लीजिए, क्या मतलब? किसको नहीं मालूम? मैं ये फल किसी पहुंचे हुए फकीर से लेकर आई हूँ। कहाँ तक पहुँचा हुआ है वो फकीर, किसको नहीं मालूम? सुनिए तो, उस फकीर ने कहा है कि ये फल खाकर घर बच्चों से भर जाएगा, सूखा मरियल शोहर भी मर्द बन जाएगा। वाली वाली, ना माकूल औरत, हम देखने का अंदर सूखा है मगर आम शेर का माफाक भूखा है। ये पुसपुसे फल से क्या होगा? हम तो लोहे का फल खा जाता है, तलवार का धार को नींबू का रस के तरह निचोड़ कर पी जाता है, किसको नहीं मालूम? माशाल्लाह, तुम क्या है ये हमको मालूम? हम क्या है ये सिर्फ तुमको मालूम, किसको नहीं मालूम, मगर जमाने को मालूम कि हम बहादुर इब्ने बहादुर, जिसको नहीं मालूम रजूली, हमारा बदौलत जिंदा, रजूली का बेटा सुल्तान हमारा पैर जोड़ता है, हाथ जोड़ता है, किसको नहीं मालूम। कारतूस बंदूक पिस्तौल उसको कौन देता है, किसको नहीं मालूम। जनरल खालिद, जिस जगह का पता मालूम नहीं कर सका, उस जगह का पता हमको मालूम, किसको नहीं मालूम। तो उनका पता बता क्यों नहीं देते जनरल खालिद को? बेवकूफ औरत, फोकट में बताएगा। वो दूसरा बात है कि जनरल खालिद हमारा घर का अंदर आए, हमारा हाथ पकड़े, हमारा हाथ चूमे, हमारा पैर दबाए, हम उसको बताएगा, ऐसे ही बताएगा। तस्लीम, तस्लीम करो, जनरल खालिद हमारा घर का अंदर आया, वो आया घर में हमारे, खुदा का कुदरत है, कभी हम उसको कभी उसका बंदूक को देखता है, नहीं बंदूक नहीं हाथ है, हाथ नहीं मौत है, मौत है। रसूली का अड्डा मालूम, किसको नहीं मालूम, हमको मालूम, हमको मालूम, हमको नहीं मालूम, हमको मालूम, हमको मालूम, हमको मालूम। हम उस वक्त हंसेंगे
जब हमारे सिपाही आकर तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, तुम्हें बालों से पकड़कर पथरीली पहाड़ियों से खींचकर हमारे महल की चौखट पर फेंक देंगे, तुम्हारे जिस्म पर खाल का एक टुकड़ा नहीं बचेगा। उसके बाद तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके सरकारी कुत्तों के आगे डाल दिए जाएंगे, तब हम जरूर हंसेंगे। लोग सोते हुए ख्वाब देखते हैं, आप जागते हुए ख्वाब देख रही हैं शहजादी साहिबा। ये पहाड़ियां सुल्तान की वफादार हैं। सुल्तान अगर इस पर खींच के ले जाया भी गया तो ये सुल्तान की खाल के लिए मखमल की तरह मुलायम हो जाएंगे। रहा सरकारी कुत्तों का सवाल, तो आपकी सरकार के तमाम कुत्ते वो दूम वाले हों या बगैर दूम के, उन्हें हमारा गोश्त हजम नहीं होगा। हमें यहाँ क्यों लाया गया है? क्योंकि आपके प्यार की तलब को सिर्फ सुल्तान ही बुझा सकता है, लेकिन सुल्तान के प्यार को हासिल करने के लिए शहजादी को कनीज बनकर सुल्तान का दिल बहलाना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब आईने की तरह बिल्कुल साफ है, आप रक्स करेंगी, नाचेंगी। नाचूंगी, जरूर नाचूंगी, मगर फर्श पर नहीं, तुम्हारी लाश पर। तुम्हारा इनकार नाफरमानी की दलील है, और नाफरमानी की हमारे यहाँ सख्त सजा है, लेकिन हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। तुम सर झुका के इकरार कर लो, हम तुम्हारी खता माफ कर देंगे। कभी नहीं। शहजादी साहिबा, आप दिल बहलाना तो अच्छी तरह जानती हैं, मगर घोड़े पर कैसे बैठा जाता है ये भी जानती हैं, या नाची साहब की कुछ मदद करें? शहर इस तरफ है और शहजादी साहिबा वहां चली गई। शहजादी साहिबा, बुजुर्गों ने कहा है कि लड़की जात को आधी रात में बाहर निकलना नहीं चाहिए। चलिए मैं आपको महल तक छोड़ाता हूँ शहजादी साहिबा। बस करो, बार बार मुझे शहजादी साहिबा मत कहो। तो फिर क्या कहूँ शहजादी साहिबा? खून बहाने वाली शहजादी आंसू भी बहाना जानती है, इसका मतलब हमने जिसे चाहा वो भी हमारी तरह खुदा की बनाई हुई एक इंसान ही है। तख्त तो सब नकली है, बहाना है ना? सुल्तान! 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 सरकारी फौज ने हमला कर दिया है। Yeah.
में हार गए खालिद, तुम्हारा बेटा। हाँ रसूले, अब मैं अपने बेटे का दीदार करूंगा।